नमस्कार दोस्तों, आज हम जानने वाले हैं आयुर्वेद की बड़ी ताकतवर औषधि के बारे में जिसका नाम है अश्वगंधा। और वही बात की अश्वगंधा के बारे में आयुर्वेद के ग्रंथों में क्या लिखा गया है, अश्वगंधा के गुण क्या होते हैं, इसकी प्रॉपर्टीज क्या होती हैं, इसको लेने के क्या क्या फायदे होते हैं, इसको लेने का सही तरीका क्या है, तो सारी जानकारी आज हम इस वीडियो में जानने वाले हैं। सबसे पहले जानते हैं अश्वगंधा के अलग अलग नाम, इसके मुख्य नाम का ही अर्थ जाने जिसका नाम है अश्वगंधा। यानी कि अश्व का मतलब होता है घोड़ा और गंधा का मतलब होता है गंध यानी कि सुगंध, यानी कि घोड़े जैसी गंध वाला। वैसे इसका जो अश्वगंधा नाम है वह संस्कृत से आया है और यही नाम इसका ज्यादा प्रचलित होता है। इसको हिंदी में कहते हैं असगंध। गुजराती में इसे आशंद के नाम से जाना जाता है और गुजराती में ही इसको एक और नाम से जाना जाता है जो है घोड़ा आहन। तेलुगु में बड़ा इसका एक अजीब नाम है जो है पनेरू और अंत में इसको अंग्रेजी में विंटर चेरी के नाम से जाना जाता है। चलिए अब ये तो हमने जाने अश्वगंधा के अलग अलग नाम, अब आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि अश्वगंधा है क्या, इसकी प्रॉपर्टीज क्या है। अश्वगंधा की प्रॉपर्टीज ऐसी है कि यह तासीर में गर्म है, पचने में भारी है, यह रसायन है यानी कि यह हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाएगी। इसके साथ साथ वात पित्त और कफ की बात करें तो यह सबसे उत्तम है वात वालों के लिए यानी कि जिनकी प्रकृति वात है, रूखा सूखा शरीर है। एक और चीज है कि यह स्वाद में मधुर और थोड़ी सी कड़वी होती है। और हाँ, आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि यहाँ अश्वगंधा दो तरह का होता है, पहला है बाजारी यानी कि नागौरी और दूसरा है जंगली जो कि ऐसा अश्वगंधा जो कि जंगल प्रदेश में ज्यादा मिलता है। तो आज हम बात करने वाले हैं नागौरी अश्वगंधा के बारे में जो कि बाजार में मिलता है और ये जो अभी मैंने गुण बताए हैं ये नागौरी अश्वगंधा के ही है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि इसके क्या फायदे होते हैं। इसका सबसे मुख्य फायदा है कि यह वृष्य है यानी कि यह हमारे शुक्र धातु को, यह हमारे वीर को पोषित करता है, वीर गाढ़ा करता है, स्पर्म काउंट बढ़ता है। इसका सेवन करने से व्यक्ति की नपुंसकता दूर होती है। इसका सेवन आपको कैसे करना है, मान लो कि अगर आप एक चम्मच अश्वगंधा का सेवन कर सकते हैं तो इसमें आपको एक चम्मच ही देशी खांड, या अगर आपको देशी खांड ना मिल पाए तो इसमें आप कर सकते हैं मिश्री के चूर्ण, धागे वाली मिश्री का चूर्ण। तो आपको पूरा एक ही बार थोड़ा थोड़ा करके इसको दूध के साथ लेना है खाना खाने से 3 घंटा पहले, यानी कि जो आप लंच करते हैं उसके 3 घंटा पहले आपको इसको खाना है। दूध की बात करें तो देशी गाय का दूध सबसे उत्तम होगा। अगर आपको अपनी इम्यूनिटी बढ़ानी है, रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ानी है, तब ऐसे में इसका इस्तेमाल करें आप घी के साथ, यानी कि आपको जितना भी अश्वगंधा पचे, मान लो कि एक चम्मच, तो आपको एक चम्मच ही देशी गाय का घी लेना है। इसको बढ़िया मिला लें, एक पेस्ट टाइप का आपका तैयार हो जाएगा। इसको लेना है आपको दूध के साथ और फिर वही इसको ले सकते हैं देशी गाय के दूध के साथ। अगर मान लो कि अगर आपको अपना वेट गेन करना है, वजन बढ़ाना है, शरीर को हरा भरा बनाना है, पोषित करना है, तब ऐसे में आपको आधा चम्मच अश्वगंधा का चूर्ण, आधा चम्मच तिल का चूर्ण और एक चम्मच घी लेना है। इसको आपको लेना है दूध के साथ। इसके बारे में ऐसा कहा गया है कि अगर आप इस तरह से अश्वगंधा का सेवन करते हैं तो दुबला से दुबला व्यक्ति यानी कि पतले से पतला व्यक्ति जिसके हड्डी के ऊपर सिर्फ खाल चढ़ी है यानी कि उसके शरीर में कोई मेद कोई मांस नहीं है, ऐसा व्यक्ति भी मोटा तगड़ा हो जाता है। और ऐसे व्यक्ति जो कि चाहते हैं कि उनका वीर हमेशा पुष्ट रहे यानी कि उनके शरीर में कोई भी वीकनेस नहीं है लेकिन वह चाहते हैं कि यह पुष्टि हमेशा बनी रहे, तब ऐसे में आपको 1 गिलास दूध, 1 ग्राम की मात्रा में अश्वगंधा चूर्ण और 0.5 ग्राम की मात्रा में धागे वाली मिश्री का चूर्ण, इनको आपको उबालना है एक साथ। बस इस दूध का सेवन आपको करना है रोज सोते समय, जिंदगी भर आपके शरीर में वीर की कमी नहीं होगी। इसका एक बहुत अच्छा फायदा देखा जाता है ज्वर में यानी कि बुखार में। अगर आपको बुखार है तो आपको अश्वगंधा और गिलोय का चूर्ण दोनों को बराबर मात्रा में गुनगुने पानी के साथ इसका सेवन करना है। इस तरह से अगर आप अश्वगंधा और गिलोय का चूर्ण लेते हैं तो जल्द से जल्द आपके बुखार में बहुत राहत मिलेगी। अगर मान लो कि इसी स्थिति में अगर आपको कीड़े हो गए हैं, पेट में कीड़े हो जाना, कृमि हो जाना, तब ऐसे में अश्वगंधा का चूर्ण, गिलोय का चूर्ण दोनों को बराबर मात्रा मिले, इससे दुगनी मात्रा में आपको लाना है शहद। यानी कि मान लो कि अगर आपने आधी चम्मच अश्वगंधा लिया है तो आधा चम्मच आपको लेना है गिलोय और 2 चम्मच आपको मिलाना है उसमें शहद। इससे क्या होता है कि पेट के कीड़े नष्ट होते हैं, पेट में जो कृमि है। और इसके साथ साथ आपको ध्यान देना है कि मीठे आहार का सेवन कम करें। अगर आपको कोई ऐसी बीमारी हो गई है जिसके कारण शरीर सूखता जाता है, तब ऐसे में इसको 2 ग्राम की मात्रा में अश्वगंधा चूर्ण, 1 ग्राम की मात्रा में पिपली का चूर्ण बड़ी पिपली, 5 ग्राम की मात्रा में घी, 10 ग्राम की मात्रा में शहद, चारों को अच्छे से मिला ले। इसका सेवन आपको करना है खाना खाने के बाद। इसका सेवन करने से जल्द आपके शरीर को रोगों से राहत मिलेगी, आपका शरीर फिर से हरा भरा बनेगा। अगर आपको ऐसा लगता है कि आपके हार्ट में आपके हृदय में पीड़ा हो रही है, दर्द हो रहा है, तब ऐसे में इसके चूर्ण को आपको लेना चाहिए गुनगुने पानी के साथ। तो दोस्तों ये रहे अश्वगंधा लेने के अलग अलग फायदे और अलग अलग प्रयोग। आपने वीडियो यहाँ तक देखी, आपका बहुत बहुत आभार, धन्यवाद।